हेलो दोस्तों, आप सबको इस पवित्र सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं सिर्फ भगवान शिव के पोर्ट्रेट नहीं ड्रॉ करूंगा, बल्कि उनसे जुड़ी एक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है उस समय की, जब देवी सती ने ही पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। इस जन्म में वे शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तप करने लगे। शिव ने पहले सप्त ऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्त ऋषियों ने पार्वती के पास पहुंचकर शिव जी की बहुत बुराई की, उनके दोष गिनाए, लेकिन पार्वती अपने संकल्प पर अड़ी रही। इसके बाद महादेव खुद आए, उन्होंने पार्वती जी को वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। तभी एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। पार्वती जहां तप कर रही थी, उसी के पास मौजूद तालाब में एक मगरमच्छ ने एक बच्चे का पैर पकड़ रखा था। पार्वती वहां पहुंची और मगरमच्छ से बच्चे को छोड़ने को कहा। मगरमच्छ ने अपना नियम बताते हुए इनकार किया कि दिन के छठे पहर में जो मिलता है उसे आहार बना लेता हूं। इस पर पार्वती ने पूछा, इसे छोड़ने के बदले क्या चाहोगे? मगरमच्छ ने कहा, अपने तप का फल मुझे दे देंगी तो बालक को छोड़ दूंगा। पार्वती तत्काल तैयार हो गई, पर मगरमच्छ ने उन्हें समझाया कि वे क्यों एक बालक के लिए अपने कठिन तप का फल दे रही है। लेकिन पार्वती ने दान का संकल्प किया। उनके ऐसे करते ही मगर का शरीर चमकने लगा। अचानक बच्चा और मगर दोनों गायब हो गए और उनकी जगह शिव प्रकट हुए। क्योंकि पार्वती ने अपने तप का फल शिव को ही दिया था, इसलिए उन्हें दोबारा तप करने की जरूरत नहीं रही। तो इस तरह से ही माता पार्वती ने शिव को लाभ किए थे। भगवान महादेव और माता पार्वती से जुड़ी ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। एंड ऑब्वियसली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दिस चैनल आई विल ट्राई टू शो यू आर्ट विथ फैक्ट। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए एंड वॉच मेकिंग दिस पोर्ट्रेट टिल द एंड। Could you find here what is missing? And here is my sign. So let's see the complete result. तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। Till then, bye.